गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू आर न्यू सेशन ऑफ चैप्टर 8। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर? माइंडिंग योर पीस एंड क्यूज। सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव रेड द पोएम, ओके, एंड हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हमें अपने गुड मैनर्स और बिहेवियर पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू आर कंपेनियन एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट, ओपन योर कंपेनियन बुक एट पेज नंबर 57 और लुक एट योर स्क्रीन। दिस इज़ योर एक्टिविटी 8A, ओके। स्टूडेंट, इफ़ यू आर डूइंग दिस, सो डोंट फॉरगेट टू राइट टूडेज डेट, ओके। Now let me read the instructions for you. It says, write 3 pointers for good behavior in your house. For example, do not enter the home with dirty shoes. आपको इसमें क्या करना है कि हमारे घर में क्या होना चाहिए हमारा बिहेवियर, उसके लिए आपको 3 गुड मैनर्स लिखने हैं और पॉइंटर्स लिखने हैं, और वो पॉइंटर्स लिखने हैं जो कि सभी आपके जो फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो आउटसाइडर हो, फैमिली मेंबर के साथ साथ चाहे वो आउटसाइडर हो, उन्हें भी फॉलो करना होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है, डू नॉट एंटर द होम विद डर्टी शूज़। सो हमें कभी भी मतलब घर के अंदर डर्टी शूज़ के साथ एंटर नहीं होना है। तो ये चीज़ आउटसाइडर के लिए भी है और इनसाइडर के लिए भी है जो आपके घर में रहते हैं। सो राइट योर पॉइंटर्स बिलो। आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट विल बी डोंट ईट द फूड विदाउट वॉशिंग हैंड। हमें कभी भी खाना बिना हाथ धोए नहीं खाना चाहिए। तो ये रूल भी है, वो सभी फॉलो कर सकते हैं इसको, ओके। और ये भी हमारे गुड बिहेवियर में आता है। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको 3 गुड बिहेवियर यानी 3 पॉइंटर्स लिखने हैं यहाँ पे गुड बिहेवियर के लिए, ओके। स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ इट्स योर टर्न टू वर्क ऑन दिस एक्टिविटी, ओके। नाउ पेज नंबर 58। ओ, इट इज़ पोस्टर टाइम, ओके। इट सेज क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर for your good behavior pointers. Use words, cutouts, symbols, pictures, drawings and anything else that you may like to make your poster colorful and fun. Means आपने करना क्या है इसमें, आपने जो previous page पर good pointers write down किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पेज पे अपना पोस्टर बनाना है। फॉर एग्जांपल, आपने हैंड वॉश का कुछ पॉइंट लिखा, ओके। सो आपको हैंड वॉश की, या तो आप उसके लिए कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं इस पेज पे, या आप उसके लिए सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं कि वॉशिंग हैंड वाले सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, या आप अपने न्यूज़पेपर से कोई अच्छी जो हैबिट्स होती हैं, आपको लगे कि इस पोस्टर को कलरफुल उनसे बनाया जा सकता है, आप किसी मैगजीन से, कॉमिक बुक से, आप या फिर आप खुद ड्रॉ करके आपके जो पॉइंट हैं गुड मैनर्स के, गुड बिहेवियर के, उससे रिलेटेड पिक्चर्स को कट आउट करके आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। और कटआउट को आप पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कोई पेस्ट करें, या फिर आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं जो आपके पॉइंट को एक्सप्लेन करे और आपके पोस्टर को कलरफुल और फन बनाए, ओके। सो स्टूडेंट, आपको ये एक्टिविटी करनी है। दिस इज़ योर होम फन एक्टिविटी, ओके। सो यू कैन क्रिएट अ सिंपल पोस्टर फॉर एनी वन रूम, ओके, और यू कैन पुट इट अप आउटसाइड दिस रूम, ओके। सो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ओके। नाउ पेज नंबर 59। This is your activity 8B, okay, second activity है। It says, identify and strike
out the verbs used in the wrong tense form. In the following sentences, one has been done for you. So there are some sentences given. आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें कि वर्ब का रॉन्ग फॉर्म यूज़ हुई है. ओके, हमने जब चैप्टर रीड किया था, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट जो टेंस होती हैं, मतलब वर्ब, हमारे जो वर्ब्स होते हैं उनके जो पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम उनमें क्या करते हैं, डी और ई डी एड करते हैं. बट सारी ही पास्ट फॉर्म में डी और ई डी यूज़ नहीं किया जाता है. उनमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका के स्पेलिंग्स में चेंजेस होते हैं और कंप्लीट वर्ड ही चेंज होता है. ओके, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी थी, कि आपको रिमेंबर करना है ये चीज़ कि पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम सारी ही वर्ब में डी और ई डी एड नहीं कर सकते हैं. कुछ वर्ब्स की जो हैं स्पेलिंग्स में भी चेंजेस होते हैं, मीन्स न्यू वर्ड होता है वो उसके लिए, पास्ट फॉर्म के लिए. हाँ, हमने बहुत सारे ऐसे पढ़े थे, फॉर एग्जांपल कम, कैम, गो, वेंट. ओके, सो इनकी पास्ट फॉर्म में डी और ई डी नहीं आ रहा है, पूरा ही चेंज हो रहा है. सो इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें कि रॉन्ग फॉर्म यूज़ हुई है. सो आपको उसमें क्या करना है कि इनको करेक्ट फॉर्म के साथ सेंटेंसेस को रीराइट करना है. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आई फॉरगेटेड टू टेक माई लंच बॉक्स टू स्कूल. सो इसमें जो है वर्ब है वो क्या है, फॉरगोट. ओके, और इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो रॉन्ग है. सो आपको इसको क्रॉस आउट करना है. ओके, सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड वियर्ड अ ब्लू साड़ी. तो वियर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है, करेक्ट पास्ट फॉर्म नहीं है वियर की, इसमें ईडी नहीं आता है. नैन्सी सिंग्ड द सॉन्ग वेरी वेल. तो सिंग की पास्ट फॉर्म कभी भी सिंग्ड नहीं होती है. ओके, सो इट इज रॉन्ग. रोमियो गिफ्ट जूलियट अ रोज. गिव की पास्ट फॉर्म कभी भी गिफ्ट नहीं होती है. ओके, आई ब्रेक द वास दैट वॉज कैप्ट ऑन द टेबल. ब्रेक की भी पास्ट फॉर्म ई डी के साथ नहीं होती है. सो आपको इन्हें क्रॉस आउट करना है, देन री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ईच वर्ब. अब आपने जो वर्ब को क्रॉस आउट किया है उन्हें करेक्ट फॉर्म क्या होगी उनकी, वो आपको राइट करते हुए यहाँ पे सेंटेंसेस को रीराइट करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, हमेशा फॉरगेट की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है फॉरगॉट. सो आई फॉरगॉट टू टेक माय लंच बॉक्स टू स्कूल. सेकंड है माय फ्रेंड वियर की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉर अ ब्लू साड़ी. थर्ड है नैन्सी सिंग्ड द सॉन्ग वेरी वेल. सिंग की पास्ट फॉर्म होती है सैंग. ओके, सो नैन्सी सैंग द सॉन्ग वेल. देन रोमियो गेव जूलियट अ रोज. आई ब्रोक द वास दैट वॉज कैप्ड ऑन द टेबल. सो स्टूडेंट, नाउ इट्स योर टर्न टू वर्क ऑन दिस एक्टिविटी. पॉज द वीडियो एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन योर कंपेनियन बुक. ओके, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्टिविटी एट पेज नंबर 60. दिस इज योर 8C एक्टिविटी. ओके, हमने 8A एक्टिविटी को अंडरस्टैंड किया, 8B, नाउ इट इज 8C एक्टिविटी एट पेज नंबर 60. सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60 और लुक एट योर स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली. स्टूडेंट, आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, आप प्लीज़ उसको केयरफुली देखिए, सुनिए, समझिए. एंड देन जब भी आपकी
डाउट क्लास होगी, आपको जो भी डाउट्स होंगे आप उसमें आस्क करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज नाउ 8C. लुक एट द पिक्चर्स बिलो, आइडेंटिफाई द एक्शन इन ईच यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. फ्रेम अ सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग ईच वर्ब इन द पास्ट टेंस फॉर्म. आपको क्या करना है, देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो. ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्शन. ओके, इन द पिक्चर देयर इज ए हेल्प बॉक्स गिवन बिलो द पिक्चर्स. ओके, सो आपको इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पिक्चर के अकॉर्डिंग, और उनकी पास्ट टेंस का यूज करते हुए जो स्पेस है ब्लैंक उसमें राइट करना है. नीचे जो हेल्प बॉक्स है इसमें आपको कुछ वर्ब दी हुई हैं जो कि पिक्चर से मैच करती हैं, आपको उस पिक्चर के अकॉर्डिंग इसको पास्ट टेंस में यूज़ करते हुए राइट करना है. सो स्टूडेंट, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर केयरफुली. क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई थिंक शी इज़ गिविंग पैन टू हिम. मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इसको कुछ दे रहा है. सो देना क्या होता है, गिव, गिव मीन्स देना, और गिव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, गेव. सो स्टूडेंट यू नीड टू राइट गेव हेयर. सेकेंड पिक्चर इज देर इज ए लेडी होल्डिंग ए अम्ब्रेला. ओके, यहाँ पे एक लेडी है जो कि अम्ब्रेला को पकड़े हुए हैं. सो होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्ड की पास्ट फॉर्म क्या होती है, होल्ड की पास्ट फॉर्म होल्ड मीन्स पकड़ना, पास्ट पकड़ा, तो होल्ड की पास्ट फॉर्म होती है हेल्ड. हम इसमें डी और ईडी का यूज नहीं करेंगे. ओके, यहाँ पे पूरा ही स्पेलिंग में चेंजेस होंगे. ओके, सो होल्ड की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हेल्ड. नाउ द थर्ड पिक्चर इज, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बॉल आ रही है, और जब अपने पास एक बॉल आती है तो हम उसे कैच करते हैं. ओके, कैच करते हैं, सो कैच की जो पास्ट फॉर्म होती है क्या होती है, कैच की पास्ट फॉर्म कॉट, CAUGHT. नाउ द फोर्थ पिक्चर इज देयर इज अ मैन हु इज टैकिंग समथिंग फ्रॉम फ्रिज. ओके, सो टैक मीन्स लेना, यहाँ पे एक आदमी है जो कि कुछ फ्रिज से ले रहा है, सो टैक मीन्स लेना. अब इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है टैक की, टैक मीन्स लेना, लिया होगी पास्ट में हिंदी में, बट इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं टुक. ओके, सो फर्स्ट में गिव का गेव, सेकंड में होल्ड का हेल्ड, थर्ड कैच कॉट CAUGHT, फोर्थ टैक टुक. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर है. स्टूडेंट पेज नंबर 61, दिस इज योर एक्टिविटी 8D. ओके, देयर इज ए टेबल गिवन, द एक्टिविटी सेज इन द टेबल लिस्ट अ गुड मैनर एंड व्हाट कुड हैपन इफ इट इज अ फॉरगॉटन. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. ओके, यहाँ आपको कोई एक गुड मैनर को क्या करना है, मीन्स आपको ये इमेजिन करना है कि अगर हम गुड मैनर्स भूल जाएंगे कहीं पर भी, आप किसी क्लासरूम को चूज़ कर सकते हैं, होम को चूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन चूज़ एनी पब्लिक प्लेस. ओके, सो हम हर जगह कोई ना कोई मैनर्स को फॉलो करते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को भी ठीक करता है. ओके, सो क्या होगा अगर हम अपने गुड मैनर्स को भूल जाएंगे तो क्या हैपन हो सकता है, यानी क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल, व्हाट
वॉट विल हैपन इफ़ यू फॉरगेट गुड मैनर्स इन आर क्लासरूम, अगर हम अपनी क्लासरूम में गुड मैनर्स को भुला दें और अपन अच्छा बिहेवियर ना करें तो क्या हो सकता है? द क्लासरूम विल लुक डर्टी, हमारा क्लासरूम डर्टी दिखेगा। और यही चीज़ अगर अपन अपने होम में अप्लाई करें कि हम अगर अपने होम पर अपने गुड मैनर्स को फॉरगेट कर दें, भूल जाएं, तो क्या होगा? हमारा होम भी डर्टी हो सकता है। ओके, सो व्हाट कुड हैपन इफ़ इट इज़ फॉरगॉटन, इट किसके लिए आया है? गुड मैनर्स के लिए। व्हाट कुड हैपन इफ़ गुड मैनर्स फॉरगॉटन, ओके, अगर गुड मैनर्स को भुला दें इन द क्लासरूम, ओके, सो द क्लासरूम विल लुक डर्टी, हमारा क्लासरूम डर्टी दिखेगा, ओके, और हमारा बिहेवियर तो बैड होगा ही होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, इमेजिन दैट यू एंड योर क्लासमेट्स डिसाइड टू फॉरगेट गुड मैनर्स एट स्कूल फॉर अ डे। बताइए क्या हो, मतलब इमेजिन करिए कि आप और आपका क्लासमेट ने, आपके जो कोई क्लासमेट हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन के लिए स्कूल में अपने गुड मैनर्स भूल जाएंगे, तो बताइए क्या होगा? मतलब आप जब आते हो, आप अपने टीचर को विश करते हो, क्लास में जब आप लंच टाइम में होते हो, आप डिसिप्लिन में हैंड वॉश करते हो, लंच करते हो, हम प्लेग्राउंड में भी कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ओके, हम वो सब कुछ भूल जाएं, तो क्या हो सकता है, अपने क्लास में क्या होगा और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? सो इन अ फ्यू सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ दिस डे विल बी, आपको कुछ सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है कि वो दिन कैसा गुजरेगा। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी वी कैन नॉट लर्न प्रॉपरली, हम बिल्कुल अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आर टीचर्स विल बी अपसेट, हमारे जो टीचर हैं वो भी अपसेट हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे कि भाई आज बच्चे किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। द क्लास विल बी नॉइजी, ओके, और क्लास कैसी होगी? बहुत नॉइजी, शोर भरी होगी। देयर इज नो, देयर विल बी नो डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, ओके, सो क्या क्या हो सकता है? वी कैन नॉट लर्न प्रॉपरली, आर टीचर विल बी अपसेट, द क्लास विल बी नॉइजी, और इट मे हार्म, ओके, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। सो इट इज कंपल्सरी टू बिहेव गुड, ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके स्टूडेंट, आपको इस एक्टिविटी पे वर्क करना है, क्लास में गुड मै सॉरी स्कूल में एक दिन के लिए आप गुड मैनर्स को भूल गए हैं तो आपका डे कैसा होगा, और प्रीवियस एक्टिविटीज़ को भी आपको करने की ट्राई करनी है। आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 62, एक्टिविटी 8E एट पेज नंबर 62, दिस एक्टिविटी सेज कन्वर्ट द वर्ड्स दैट आर अंडरलाइन इन टू एडवर्ब्स, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें आपको एडवर्ब दी हुई हैं, तो आपको उन्हें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन जो एडवर्ब हैं वो वहाँ पे इनकरेक्ट हैं, ओके, आपको उन्हें एडवर्ब में कन्वर्ट करते हुए, करेक्ट एडवर्ब में कन्वर्ट करते हुए सेंटेंसेस को रीराइट करना है। सो स्टूडेंट, एडवर्ब्स क्या होती हैं? एडवर्ब्स यूजुअली डिस्क्राइब द एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवर्ब्स जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग स्वीटली, मैं बहुत स्वीटली गाती हूँ, तो मैं जो गाने का काम है, सॉरी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, तो जो चिल्ड्रन हैं वो प्लेइंग का वर्क कैसे कर रहे हैं, हैप्पीली कर रहे हैं। स्टूडेंट मैंने आपको, सॉरी, जो एडवर्ब्स होती हैं वो एडजेक्टिव नहीं, वर्ब को डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से कोई भी जो वर्क है, कोई एक्शन है, वो किस तरह से हैपन हो रहा है। सो सॉरी, पहले कुछ
करेक्ट इनकरेक्ट हो गया था. हमें क्या याद करना है, क्या रिमेम्बर करना है कि जो एडवर्ब्स होती हैं वो किसे डिस्क्राइब करती हैं, वर्ब्स को डिस्क्राइब करती हैं. ओके, एडवर्ब्स यूजुअली डिस्क्राइब द वर्ब्स. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको चिल्ड्रन का एग्जांपल दिया कि जो चिल्ड्रन हैं वो प्ले का वर्क कैसे कर रहे हैं, हैप्पीली. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. जो ओल्ड मैन है वो वॉक करने का वर्क कैसे कर रहा है, एक्शन किस तरह से हो रहा है. एडवर्ब हमें क्या बताती हैं, हाउ टू हैपन एन एक्शन. ओके, मतलब किस तरह से जो एक्शन है वो हुआ है. तो यहाँ पे जो चलने का एक्शन है, चलने का जो वर्क है, वॉक का वॉक वर्ब है, वो किस तरह से हो रही है, स्लोली. सो आपको यहाँ पे यही करना है. देयर आर फोर सेंटेंसेस गिवन, करेक्ट एडवर्ब का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है. सोनिया स्माइल्ड शाय. सो क्या हो जाएगा, शाय का शायली. हमेशा जो एडवर्ब होती हैं वो एलवाई उनमें आता है. He spoke to me rudely. The sang, Tina sang sadly. It rained heavily. Okay. Now activity 8F. Time for some action. Work in pairs. Enact two action that you usually do. Okay. Stop when your partner tells you to freeze. Let your partner describe how you did the action. For example, आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक एक्शन या पार्ट, ये एक्टिविटी राइट की नहीं है, आप जस्ट इसको कर सकते हैं कि टू फ्रेंड हैं आप, आपको कोई भी एक्शन करना है और आपका जो पार्टनर है वो आपसे कहेगा फ्रीज. ओके, और फिर वो आपके जो आपने एक्शन किया है उसको डिस्क्राइब करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल, आपने एक्शन किया सिंगिंग का, तो आपका पार्टनर क्या कहेगा, यू आर सिंगिंग वेरी स्वीटली, आपने बहुत अच्छे से सिंग किया. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर है. सो एडवर्ब्स जो होती हैं वो हमेशा वर्ब्स को डिस्क्राइब करती हैं. ओके.